Assalamu alaikum students and a very good morning to all of you. As you all know that I have also already completed our half chapter number 15, and today I am going to continue our chapter. So let's start our chapter. Today I will discuss the topic monarchy with you. What is the meaning of monarchy? In this type of government, any one person govern as a ruler. Generally, the title of ruler is inherited. People do not have right to choose their ruler in this type of governance. यानी कि ये जो monarchy type की government होती है, ये ऐसी government होती है कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट के ऊपर जो बैठता है वो मोनार्की, यानी कि वो मोनार्क यानी राजा होता है, और एक ही पर्सन पूरे राज्य को चलाता है. और इस मोनार्की टाइप की गवर्नमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर, राज्य की पब्लिक को कोई भी अधिकार नहीं होता है अपने गवर्नमेंट अपने लीडर को, अपने रूलर को सिलेक्ट करने का. यानी कि जैसे हम लोग आज डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आज कैसे हम इलेक्शन के अंदर अपने पसंद के लीडर को सिलेक्ट करते हैं, तो इस टाइप की गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे इनहेरिटेड सिस्टम होती है. इनहेरिटेड यानी वारसाघट, यानी कि जो राजा होता है अगर वो मर जाए तो उसकी जगह पर कोई दूसरा कोई, यानी कि उसका बेटा राजा बनता है. अगर वो मर जाए तो फिर उसका बेटा राजा बनता है. तो ऐसे इनहेरिटेड सिस्टम चलती है. टुडे मोनार्की इज सीन इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. एट सम प्लेसेस इन मोनार्की इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर नेमसेक. इन मोनार्की द रूलर टेक्स द डिसीजन कीपिंग हिमसेल्फ इन द सेंटर. The decision taken by one person being considered final. Emphasis is placed on the well-being and convenience of the ruler rather than people. यानी कि ये ऐसे मोनार्की टाइप के गवर्नमेंट के अंदर जो राजा होता है वो जो कुछ भी डिसीजन लेता है वो लोगों को ध्यान में रख के या फिर लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं लेता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपने फ़ायदे के लिए को ध्यान में रख के ही सभी डिसीजन लेता है. द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी. वी हैव सीन द रूल दैट रूल इज कैरिड आउट एट लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. जैसे मैंने आपको कहा था आगे भी कि डेमोक्रेसी के तीन लेवल होते हैं. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो शहर और गांव में होता है, स्टेट लेवल पे यानी राज्य लेवल की गवर्नमेंट, और नेशनल लेवल की यानी कि देश के पूरे देश को जो चलाती है वो गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी फंक्शंस फॉर द अपलिफ्टमेंट और लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेल बींग ऑफ द पीपल. यानी डेमोक्रेसी जो सिस्टम है वो क्या काम करती है, तो वो देश को आगे बढ़ाने का काम करती है. देश के लोगों को कैसे आगे लाया जाए, उनका विकास कैसे किया जाए, डेवलप कैसे किया जाए उन्हें, ये मेन उनका फंक्शन होता है. पीपल एंड देयर नीड्स आर केप्ट इन सेंटर व्हाइल प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. डेमोक्रेटिक रूलर्स गवर्न द गवर्नमेंट सो दैट द पीपल कास्ट वोट इन देयर फेवर. Democratic values are preserved on the basis of constitution. Development and well-being of people are given importance. यानी कि democratic country के अंदर voting द्वारा leader को select किया जाता है, वो government की seat पर बैठता है और वो country को चलाता है. और वो जो कुछ भी country को चलाता है, जो decision लेता है, वो constitution के basis के ऊपर होते हैं. यानी constitution के को ध्यान में रख के ही लिया जाता है. इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट मस्ट मेक प्लान्स एंड स्कीम्स टू एंश्योर इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस टू एवरीबडी. यानी गवर्नमेंट को क्या ध्यान में रखना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कुछ भी प्लान बनाए, जो कुछ भी डिसीजन ले, वो लोगों को देश की इक्वालिटी को ध्यान में रख के, यानी कि सभी लोग एक है, सेम है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये ध्यान में रख के डिसीजन ले या फिर कोई भी प्लान बनाए. सिक्योरिटी, लोगों की सिक्योरिटी को ध्यान में रख के प्लान बनाए. तो ये है गवर्नमेंट यानी डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस. अब है स्टूडेंट्स हमारा लास्ट टॉपिक जो है गवर्नमेंट एंड लॉज. फ्रेमिंग द लॉज
लॉज इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का, सरकार का काम क्या है, लॉज बनाना, कायदे कानून बनाना. ऑल शुड फॉलो द लॉज, सभी को लॉज फॉलो करने होते हैं. वेरियस लॉज हैव इम्पॉर्टेंस प्लेस फॉर वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, कितने कायदे कानून रूल्स रेगुलेशन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट चलती है. गवर्नमेंट हैज़ पावर टू अमेंड लॉज अलॉन्ग विद द इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन यानी कि फॉलो करना. पीपल कैन चैलेंज द गवर्नमेंट लॉ, यानी कि हम लोग गवर्नमेंट ने जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं तो हम लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं. यानी अगर हमें लगे कि ये रॉन्ग है, हमारे साथ रॉन्ग हो रहा है, अगर ये डिसीजन, ये रूल बन गया, ये रूल हमें फॉलो करना होगा तो हमारा, हमारे लिए गलत होगा, हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, तो हम उसको चैलेंज यानी उसका अपोज कर सकते हैं. पीपल कैन सीक कोऑपरेशन ऑफ कोर्ट्स फॉर राइट एंड अगेंस्ट इनजस्टिस डन देम. यानी कि अगर गवर्नमेंट, ऐसा हमें लगे कि गवर्नमेंट हमारे साथ अन्याय कर रही है, अरे ये गलत कायदा बनाया है जिसकी वजह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हमारे अधिकार वापस पाने के लिए हम लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉ और प्रोड्यूसेस ऑफ द गवर्नमेंट, वेन पीपल फील दैट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, दे कैन राइज देयर वॉइस इन द कोर्ट. द कोर्ट में जजेस ऑर्डर गवर्नमेंट फॉर वेरियस इश्यूज वेयर एवर द नीड इज फेल्ट. यानी कि हमें लगे कि बराबर ये रूल बराबर नहीं है, बराबर फॉलो नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, और कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सही एडवाइस दे सकती है, सही तरीके से कायदे कानून बनाने के लिए कह सकती है. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक मोनार्की और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी हमें कैसे हेल्प करती है और गवर्नमेंट का क्या काम है होता है, वो हमने देखा आज के वीडियो में. आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.